तो भाई पेपर के सॉल्यूशन तो सभी लोग बना रहे हैं है ना, पर एक क्वेश्चन से सब बच के निकल रहे हैं ना। तो वैसे तो मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन बनाने वाला था, पर पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन था, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है ना। तो मैंने कहा जिस क्वेश्चन से सब बच के निकल रहे हैं ना, कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग के ऑनर्स बच के निकल रहे हैं बोल के कि ये तो ये होता है, यूट्यूबर्स बच के निकल रहे हैं, घुस ही नहीं रहे। तो मैंने कहा अपन उसमें घुसते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे ना। तो भाई दिस इज वॉट वी डू एट फिजिक्स ऑलिंग्स है ना, कोर फिजिक्स, रियल फिजिक्स, एक्चुअल फिजिक्स है ना, जिससे रैंक्स आती हैं है ना। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन के भाई मैं एक डिटेल में सॉल्यूशन करूंगा जो अगले 5 मिनट में हो जाएगा, और फिर एक और भी ज़्यादा डिटेल में जो शायद 10 मिनट में होगा, जो लोगों को बिल्कुल ही डेप्थ में बिल्कुल फील करना है। तो तुम्हारी मर्जी है तुम कितने डिटेल में समझना चाहते हो है ना। ठीक है चलो आ जाओ करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है पूरे पेपर के, मतलब उनमें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं। बाकी मैं कल एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आज तो ज़्यादा लेट हो गया रात के है ना, और अभी एनालिसिस वगैरह भी करनी है। तो डिटेल सॉल्यूशन कल बना दूंगा, और एक क्वेश्चन गलत था वो भी वीडियो बना के डाल दूंगा ना, वो छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन है पर गलत दे रखा है, कोई बताएगा नहीं पर मैं बताता हूँ तुम्हें, कोई नहीं इसके बाद अगला वीडियो वो भी बना दूंगा ना। ठीक है आ जाओ। तो देखो यार इस क्वेश्चन मैंने सबसे पहले समझो, ये क्वेश्चन पढ़ लेते ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो ना। ए व्हीट स्टोन ब्रिज, अरे अरे अ व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स है ना, इसकी वैल्यू निकालनी तुम्हें बाई एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस वाई। ये दोनों कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं बोला है ना, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं मान रहे ना, कहा कि ये है ना ये कुछ है इसको तुम एडजस्ट करोगे धीरे धीरे। फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स द रेजिस्टेंट पी एंड क्यू, ठीक है तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखो, शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल, डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल है ना, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। मतलब ऑप्शन देख के ही लगता है हर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले तो सेक्शन बी का क्वेश्चन था, तो सबसे पहली चीज तो ऐसा क्वेश्चन देख रहा है तुम्हें है ना, तो उसको भाई क्रॉस मारो या बॉक्स मारो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हें 15 में से 10 करने रैंक्स के लिए वो जरूरी है। पहली बात तो ये, सबसे पहला तो ये। बट ठीक है अब आ जाओ करते हैं क्वेश्चन करते हैं, हमको तो क्वेश्चन करना है ना, तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यार ये क्वेश्चन ना सारे के सारे बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। हाँ भाई पोस्ट ऑफिस बॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज है, पर एग्जैक्टली पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है ना। ठीक है तो कोई नहीं, हम बिना पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है तो अपन करते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ ना, अगर कोई पोस्ट ऑफिस बॉक्स से रिलेट करना चाह रहा है तो एग्जैक्टली उसका सर्किट नहीं है ये ना, पर हाँ कॉन्सेप्ट उसके जैसा है। चलो ठीक है आ जाओ। देखो ना पोस्ट ऑफिस बॉक्स कुछ ऐसा सा दिखता सा डिवाइस है, पुराने जमाने में यूज होता था। एक बहुत सालों पहले इस पर एक क्वेश्चन आया है, जेई एडवांस 2004 में आया था, और कभी नहीं आया ना है ना। तो इसमें होती है कुछ कीज वगैरह होती है, इसको तुम उठा के अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू ले सकते हो है ना। ये क्या होता था पुराने जमाने में, शहर वगैरह में अगर वायर कट जाता था ना कहीं में है ना, मतलब टेलीफोन की लाइन कट गई, अब तो मैं पता करना है कि कहाँ पे कटी है, तो उसको 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 फिगर आउट करने के लिए होता था किस जगह पे एग्जैक्टली टेलीफोन की लाइन कटी है ना, उसके काम आता था। कैसे आता था, अगर वो वीडियो चाहिए ना तो यार कमेंट में लिख देना, मैं पूरा डिटेल में 15 मिनट में पूरा ढंग से पोस्ट ऑफिस बॉक्स समझाते हुए वीडियो बना दूंगा, पूरा फील करा दूंगा, पर इसमें वो नहीं करेंगे ना। ठीक है तो देखो मैं हल्का हल्का बता देता हूँ ना। तो जो पी है, पी पोस्ट ऑफिस बॉक्स अगर रिलेट करना चाहते हो तो ये वाली चीज़ है, ये वाला पार्ट है ना। इसकी वैल्यू तुम 1000 ओम ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 10 ले सकते हो ना, और भी कुछ कुछ बॉक्स होते हैं वहाँ पे 10,000 भी ले सकते हो, वरना जनरली 1000 में काम हो जाता है ना। उसका क्या फर्क पड़ता है वही बताऊंगा। जो क्यू है वो ये वाला है ना, ऑल दो जो गिवन सर्किट है वो एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस नहीं है पर इसके जैसा कुछ है, इसकी वैल्यू भी तुम ऐसे ही ले सकते हो 1000, 100 और 10। ठीक है और ये जो वाई जिसको वेरिएबल बोल रहे हैं, जो वेरिएबल बोल रहे हैं, ये जो वाई वेरिएबल बोल रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला होता है तुम्हारा। इसकी वैल्यू देखो तुम क्या क्या ले सकते हो, वाई की वैल्यू 5000 ले सकते हो, 2000, 2000। यहाँ पे कीज होती हैं, जितनी भी कीज तुम उठाते हो उतना रेजिस्टेंस तुमको मिल जाता है, वो सर्किट में आ जाती हैं। ठीक है 5000, 2000, 2000, 1000 है ना। तो मतलब तुम इसका इस जो वाई है इसका लीस्ट काउंट 1 ओम है, 1 ओम के उसमें वेरी कर सकते हो, और 10,000, 11,000 ओम तक तुम कुछ इसका रेजिस्टेंस ले सकते हो ना। मतलब अपन को तो इससे मतलब है कि इसका लीस्ट काउंट तुम्हारा होता है 1 ओम, इसका लीस्ट काउंट तुम्हारा 1 ओम होता है। ठीक है 1 ओम है ना, मतलब 1 ओम से छोटा नहीं हो सकता। अब मान लो अब इनका क्वेश्चन है कि हमें एक्स को प्रिसाइसली मेजर करना है, चिंता मत कर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी जाता है कर लेगा ना। मोस्ट प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, कितने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक तुम मेजर कर सकते हो ना। तो अपन एक कुछ भी रैंडम वेरिएबल लेके चल लेते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू तुम्हारी कुछ है ना, अपन मान लेते हैं है ना, अपन को निकालना है, अपन मान के चल रहे हैं समझने के लिए, पर अपन को निकालना है, अपन को पता नहीं। लेट्स से एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो 16.1238 वगैरह है ना। तो अब अपन को ये क्वेश्चन है कि अपन कितने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक निकाल सकते हैं, जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कहलाएगा एक्स का। ठीक है तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या हो जाता है ये बताओ, अपना इसमें करंट जीरो हो जाता है, आईजी अपना जीरो हो जाता है जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है ना। ठीक है तो देखो एक तो मैं बिल्कुल आसान वाला सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखो सबसे पहले
हम क्या करते हैं यहाँ पे पी वायर जब अपन पोस्ट ऑफिस में करते हैं, इसकी अपन वैल्यू या तो 10 ओम से स्टार्ट करते हैं, 100 ओम से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इसको कांस्टेंट पी वाले को कांस्टेंट रखते हैं, पी वाले को 10, 100, 1000 से स्टार्ट करते हैं और कांस्टेंट रखते हैं। लेट्स से अपन अपने एग्जाम के लिए मान लेते हैं इसकी वैल्यू अपन 100 ओम लेके चल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू अपन क्या करेंगे 100 ओम से स्टार्ट करेंगे फिर 1000 ओम करेंगे। और लेट्स अगर पोस्ट ऑफिस बॉक्स में 10,000 ओम होता तो क्या होता, तो 10,000 ओम भी ले लेंगे, उससे ज्यादा भी ले लेंगे और देखेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो सिंपल वाला सॉल्यूशन दे देते हैं, है ना, सिंपल वाला, फिर डिटेल वाला, फील वाला भी दे देंगे। तो देखो सिंपल वाला सॉल्यूशन तो सीधा सा है, अगर बैलेंस्ड हो गया, अगर आई जी जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर करंट तो हमारा बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड है मतलब दिस बाय दिस रेशियो पी वाई एक्स रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स कितना निकल के आ रहा है, देखो इससे हमारा एक्स निकल के आ रहा है अपना वाई इंटू पी वाई क्यू, है ना। तो देखो अब अगर अगर तुमने बैलेंस नल पॉइंट ढूंढ लिया तो x इसके बराबर होगा। सोचो p तो 100 है, अगर मैं q को 100 लूं, थोड़ा सा दिमाग में करो ना, थोड़ा सा दिमाग में करवाते हैं, अगर q 100 ले लूं, आ जाओ, है ना, q को 100 ले लिया तो 100 बाय 100 कितना हो गया 1, तो x की वैल्यू y के बराबर आ गई। ठीक है, और y का लीस्ट काउंट 1 ओम है तो ये भी 1 ओम है। तो अगर तुम्हें आई होप एरर वगैरह के कॉन्सेप्ट आते होंगे, तुमने क्लासेस करी होंगी, फील करा होगा ना लीस्ट काउंट, है ना, अगर बाय का लीस्ट काउंट 1 है तो एक्स का भी लीस्ट काउंट 1 होगा। मतलब तुम इससे 16 ओम या 17 ओम ये बता सकते हो, 16.1 ओम नहीं बता सकते अभी तुम, क्योंकि 1 ओम लीस्ट काउंट तो बता सकते हो तुम, है ना। ठीक है, कोई नहीं, अगर और ज्यादा समझना है तो डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन में देखना, वहां पे बिल्कुल फील आएगा, पर बाकी इससे भी समझ में आ जाएगा जिनके एरर वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्यू को मैं मान लो अब बढ़ा लूं, क्यू की वैल्यू में कितनी कर दूं, यहां से 100 की जगह मैंने 100 बंद करके 1000 ओम वाली की उठा दी, 1000 ओम कर दूं अगर मैं क्यू को, अगर क्यू को मैं 1000 ओम कर दूंगा तो अब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, क्यू को 1000 ओम कर दिया तो पी बाई क्यू, पी इज 100, क्यू इज 1000, 100 बाई 1000 0.1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.1 वाई। तो समझो वाई का लीस्ट काउंट है 1 ओम और 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मतलब तुम इस एक्स का लीस्ट काउंट 0.1 ओम हो गया, तुम एक डेसिमल प्लेस तक बता सकते हो इसको, प्रिसीजन बढ़ गया, क्यू को बढ़ाने से प्रिसीजन बढ़ गया। अब ऐसी सोचो, अब मैं लिख नहीं रहा तुम समझ जाओगे, अगर क्यू 10,000 ओम ले रहे, पी 100 ये 10,000, तो ये कितना आ गया 0.01, तो ये आ जाएगा 1 ओम, वाई का लीस्ट काउंट 1 है, 0.01 वाई आ जाएगा, है ना, 0.01 वाई, मतलब दो डेसिमल प्लेस तक बता दोगे। मतलब क्यू को मैं जैसे जैसे बड़ा करता जा रहा हूं वैसे वैसे मैं ज्यादा ज्यादा डेसिमल प्लेस तक पहुंचता जा रहा हूं, बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ ऑप्शन पढ़ लो, आ जाओ ऑप्शन पढ़ लो, है ना, है ना। तो इन्होंने कहा है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे मान लो अगर क्यू को मैं, जैसे अभी अपना अगला वाला एग्जांपल लिया 10,000 ओम है ना, 10^4 ओम ले लें अगर क्यू को, तो हमारा एक्स क्या निकल के आ रहा है, हमारा एक्स निकल के आ रहा है 0.01, है ना, 100 बाई 10,000 तो हमारा लीस्ट काउंट दो डेसिमल प्लेस तक पहुंच गए हम, इधर तक हम 16.12 ओम तक बता देंगे। तो यहां पे पी और क्यू की वैल्यू देखो इसके कंपैरिजन में लार्ज है, ऑल्दो पी को लार्ज बोलना कोई जरूरी नहीं है पहले, है ना, ठीक है, पर क्वेश्चन में अपन को मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है ना, क्यू की वैल्यू लार्ज है और इन दोनों की वैल्यू अनइक्वल है, जितनी ज्यादा अनइक्वल वैल्यू होगी इन दोनों की उतना ज्यादा प्रिसीजन लेगा। मान लो अगर मैं मान लो क्यू को मैं 10^10 ले लूं, 10^10 ले लूं, तो सोचो 10^2, 100 इज 10^2 बाई 10^10, 10^-8, 8 डेसिमल प्लेस तक तुम्हें पता चल जाएगा प्रिसीजन कितना बढ़ गया। तो जितना ज्यादा प्रिसीजन चाहिए एक्स के कैलकुलेशन में, हाँ भाई, शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल, है, समझ में आ गई ना बात, लार्ज होना चाहिए, ऑल्दो पी लार्ज नहीं है क्यू लार्ज चाहिए अपन को ना, और अनइक्वल होनी चाहिए इसके लिए ना। तो बच के निकलने की जरूरत नहीं है, दिमाग का सब्जेक्ट है फिजिक्स, है ना, एक्सप्लेनेशन करना होता है ना, सोचना होता है, दिमाग का सब्जेक्ट है, बच के नहीं निकलते ना ये एक्सप्लेनेशन, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बच बच के निकल जा रहे सारे के सारे, अरे इसका तो ये होता है, इसका तो ये होता है, अबे करो ना सॉल्व, आ जाओ, हाँ शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल, बाकी तो है ठीक है, प्ले ये गलत है, बाकी शुड बी एप्रोक्सिमेटली टू ए, शुड बी एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है भाई ये आंसर है। ठीक है, अब भाई डिटेल सॉल्यूशन, जिसको और भी चाहिए और ज्यादा फील करना है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी के जा सकते हैं, हो गया भाई तुम्हारा सॉल्यूशन, आ जाओ। अब फील कराते थे, कोई कहेगा सर उतना ज्यादा फील नहीं हो, आ जाओ चलो करते हैं। तो देखो यार, अच्छा एक चीज बताओ ना, अब अपन घुस रहे हैं डीप डाइव करने वाले, अब अपन डीप डाइव कर रहे हैं इसमें, जिसको डीप डाइव करना है वो सुन सकता है, बाकी जा सकते हैं। हमारा जब बैलेंस होता है, देखो पी वाई एक्स, अगर ये पी वाई एक्स क्यू बाई वाई के बराबर आ जाए, तो हमारा क्या होता है, क्या होता है, तो हमारा बैलेंस हो जाता है, आई जी जीरो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड। पर सोचो अगर पी वाई एक्स, है ना, जो क्यू बाई वाई है वो उससे ज्यादा निकल के आ जाए, है ना, अपन देखो यहाँ पे पी और एक्स को तो कांस्टेंट रखना है, पी को 100 रखना है, एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर जो है सो है, तो पी वाई एक्स हमारे लिए यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। अगर क्यू बाई वाई की रेशियो ज्यादा निकल के आ जाए तो क्या होगा, अगर क्यू बाई वाई का रेशियो ज्यादा निकल के आ जाएगा तो करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे ना, ऊपर नीचे जहां भी जाएगा पर फ्लो करेगा, अगर ये मैच नहीं कर रहे। और आप सोचो क्यू बाई वाई का रेशियो कम हो जाए तो,
अगर पी वाई एक्स से क्यू बाई वाई का रेशो कम हो जाए, क्यू बाई वाई कम हो गया पी वाई एक्स से, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब इतना सब लोग एग्री करेंगे और इतनी चीज सबको समझ में आ रही है यहाँ पे कि भैया अगर ऊपर का रेशो नीचे के बराबर है तो बैलेंस है, कोई करंट नहीं जाएगा गैल्वेनोमीटर में। अगर कम है तो एक, अगर कम होने पे मान लो एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो ज्यादा होने पे दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, वो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा पर डायरेक्शन रिवर्स करेगा। ये रेशो क्यू बाय वाई का रेशो पी बाय एक्स से कम या ज्यादा होगा उससे करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, इस पर हम सब एग्री कर रहे हैं। तो देखो ऐसे ही तो पता करते हैं, अब देखो आज करते हैं एग्जैक्टली स्लोली स्लोली करते हैं। तो अपन ने मान लो पहले एक्सपेरिमेंट में देखो पी तो अपन लेके ही चल रहे हैं यहाँ पे ना, पी को तो अपन लेके चल रहे हैं, यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। पी को तो अपन 100 लेके ही चल रहे हैं, पूरा अपना कांस्टेंट रखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स की वैल्यू अपन ने कितनी 16.12 थी जो भी ले लिया, 16.123 वगैरह पता नहीं क्या है, जो भी ले रही है ना वैल्यू, ठीक है। तो पी बाय एक्स का रेशो तो हमारा कांस्टेंट हो गया पूरे एक्सपेरिमेंट में, 100/16.123। अब आ जाओ अपन सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, क्यू को अपन 100 लेके चल रहे हैं ना, यही तो कहा था सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, क्यू को 100 लिया था है ना। अब देखते हैं क्या होगा ना, क्यू को 100 ले रहे हैं अपन। अब हमें चाहिए, अब हमें y को बैलेंस करना है ना, y की वैल्यू अलग अलग लेंगे है ना। तो देखो अगर मैं y को 16 ले लूंगा, अगर y को 16 ले लूंगा तो q by y कितना आ जाएगा मेरा। अपन क्या करते हैं यहाँ पे रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडमली पुल करते हैं है ना। जैसे 5000 पुल कर दिया, फिर मैंने 1000 पुल करा, मैंने देखा अभी भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मैंने 200 पुल करा, अभी भी करंट सेम डायरेक्शन जा रहा है, फिर 100 पुल करा है ना, बाकी की बंद करते जा रहे हैं ना। फिर मैंने 20 पुल करा, मैंने देखा अभी भी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मैंने 10 पुल करा, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। 20 पुल कर रहे हो, 10 पुल करने में करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, पता क्यों? बताओ क्यों भाई, 10 है ना, क्यों जाएगा बताओ। अच्छा ये समझ पा रहे हो, अगर मैं y को 20 ले लूं तो q बाय y का रेशो कम हो जाएगा। चलो एक बार दिखाई देते हैं, आ जाओ एक बार 20 लेके दिखा देते हैं। y को 20 लिया तो q बाय y क्या आया, 100/20। अब डिनोमिनेटर इससे बढ़ गया, देखो 20 इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये पी बाय एक्स से कम हुआ है ना। देखो तुमने 20 पुल करा तो ये हुआ करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब सोचो अगर तुमने y को 10 कर दिया, अब तुमने 20 को डाउन करा और 10 ओम को पुल कर दिया, अब y तुम्हारा 10 ओम हो गया तो q by y क्या हो गया तुम्हारा, 100/10। अब 100/10, अब डिनोमिनेटर 16 से छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है मतलब वैल्यू बढ़ी है, अब q by y बढ़ गया, तो बताओ क्या होगा। सोचो अभी q by y पी वाई एक्स से छोटा आया, q by y पी वाई एक्स से बड़ा आया। भाई दूसरी तीसरी क्लास की वैसे यार नहीं आ रहा तो थोड़ा पॉज करके देख लो वीडियो, और क्या ना सिंपल सा है ना रेशो है, तो करंट का डायरेक्शन बदलेगा ना। तो जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुमने एक बार उसको उठाया, तुमने देखा करंट इधर जा रहा था, गैल्वेनोमीटर ये लगा रखा है यहाँ पे ना, ठीक है। और फिर तुमने वैसे 20 को हटा के 10 ओम हटाया, तुमने देखा करंट का डायरेक्शन बदल गया, तुम तुरंत अलर्ट हो गए, तुमने कहा भैया इसका मतलब है वाई की वैल्यू 10 से 20 ओम के बीच में है, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगी वाई की वैल्यू, हमें नहीं पता कितनी है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम समझ गए 10 से 20, तो अब तुम क्या करोगे 10 ओम अंडर डाल के 10 और 1 को साथ में उठाओगे, 11 ओम 12 ओम ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसमें दो दो की उठा के कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो अब तुम क्या करते हो अगले एक्सपेरिमेंट में, तुमने कहा सेकंड में अपन क्यू को 100 ही लेके चलते हैं मान लो है ना, वाई को तुमने एक बार 16 लिया और वाई को तुमने एक बार 17 लिया, इन दोनों में तुम्हारा डायरेक्शन फिर से बदलेगा, क्योंकि 16 लोगे अगर वाई को तुम 16 ले लोगे तो वो रेशो बड़ा होगा क्यू बाई वाई का, और वाई को 17 लोगे तो रेशो छोटा हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन बदलेगा। मुझे फिर से पता चल गया कि अब वाई की वैल्यू और अपन ने नैरो कर ली अपनी लिमिट, हमें वाई की वैल्यू निकाले, हम वाई की वैल्यू नैरो करते जा रहे हैं, हमें पता चला वाई भाई 16 से 17 ओम के बीच में कहीं है। अब हमें यह नहीं पता 16.1 है 16.2 है कितना, ये नहीं पता। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इससे ज्यादा नैरो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 ओम है, तुम 16.1 या 16.2 वैल्यू नहीं ले सकते। देखो यहां पे y की वैल्यू का लीस्ट काउंट 1 है, उससे छोटा रेजिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास। तो हम दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं ये जो 100 है ना इसको डाउन करेंगे, q की वैल्यू चेंज कर देंगे, 100 को अंदर करा 1000 चीज दिया। देखो अब दिखाते हैं अगले पेज पे चल के, अब हम क्या कर रहे हैं इधर पहुंच रहे हैं, क्यू को 1000 लेंगे ना, तो देखना एक डेसिमल प्लेस एक्स्ट्रा आएगी, दिखाते हैं अभी तुम्हें। तो अब तुमने क्या करा क्यू को 1000 ले लो, आ जाओ अब तुमने कहा भैया हम तो लेंगे क्यू को 1000, क्यू को 1000 हम लोगे, तो अब तुम समझोगे अब तुम्हारा जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा, एक तो तुम्हें मिलेगा वाई इक्वल टू, देखो इसको देख ले 16.1 है ना, तो 16.1 से 16.2 के बीच में आएगा ना, तो एक 161 ओम और वाई इक्वल टू 162 ओम के बीच में तुम्हें रहेगा, बैलेंस नहीं होगा। असलियत में पता है नल पॉइंट तुम्हें मिलते ही नहीं है, तुम्हें लगता है नल पॉइंट मिल जाता है, वो थ्योरेटिकली बताना आसान है, रियल एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है। जब तुम 161 ओम लोगे तो ये वाला रेशो तुम्हारा इससे छोटा रेशो बड़ा रहेगा है ना, वाई को 161 लोगे तो तुम्हारा क्यू बाय वाई बड़ा रहेगा। देखो अगर तुम्हें बड़ा छोटा समझ में नहीं आ रहा भाई, सेकंड थर्ड क्लास की में से तुम लिख के कर लेना ना, जब दिख जाएगा डिनोमिनेटर भाई छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी ना, 161 इससे छोटा है तो यार है ना, सेकंड थर्ड क्लास की में से नहीं करते। और जब तुम 162 कर लोगे तो तुम्हारा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, बाय बड़ा हो गया इससे,
तो रेशियो छोटा हो गया, मतलब रेशियो चेंज कर रहा है, इतना दिख रहा है क्यू बाय वाई बड़ा और छोटा हो रहा है। तो मतलब जैसे ही तुम 161 और 162 करोगे तुम्हें करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता हुआ दिखेगा, तुम्हारी वाई की वैल्यू नैरो डाउन हो गई। पर अब वाई तुम्हारा एक्स के बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि वाई अपना क्या था, देखो यहाँ पे वाई पी वाई क्यू इंटू वाई था ना, सॉरी एक्स पी वाई क्यू इंटू वाई था ना, तो तुम्हारा एक्स था पी वाई क्यू इंटू वाई, और पी को तो अपन 100 लेके चल रहे हैं, तो 100 बाई 1000 इंटू वाई मतलब 0.1 वाई। तो अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा एक्स है वाई की वैल्यू इन दोनों के बीच में, मतलब और एक्स के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स की वैल्यू 16.1 से 16.21 के बीच में रहेगी। ये भाई सिर्फ दिमाग वालों के लिए जिनको दिमाग लगाना पसंद है, बाकी किसी के लिए नहीं है, बाकी छोटा सॉल्यूशन दे दिया था। तो तुमने एक डेसिमल प्लेस पे कर लिया नैरो डाउन, अब तुम इसको बढ़ाते रहो एक्सपेरिमेंट को, 16.1 पता चल गया, अब तुम क्यू की वैल्यू ले लो भाई 10,000, तो तुम्हारा बैलेंस पॉइंट आएगा, एक एक वैल्यू मिलेगी 1612 और दूसरी आएगी 1613। अब और क्यू की वैल्यू बढ़ा दो, तो जितनी बढ़ाते जाओगे उतने डेसिमल प्लेस आगे तक पहुंचते जाओगे। तो भाई ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ना, और अच्छी फीलिंग आएगी अगर तुम्हें पोस्ट ऑफिस बॉक्स आता हो, बाकी उसकी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है उससे लिंक्ड है ना, ठीक है। पर भाई कमेंट में लिख देना पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ाना है तो वो भी पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है, बता देना भैया, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था, ये कोई नहीं कर रहा था, मैंने डिस्कस कर दिया भाई, अच्छा लगा तो यार शेयर कर देना है ना, है ना, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट की कदर नहीं होती है ना, ठीक है। चलो भाई ठीक है भाई, बाय बाय, सी यू। अच्छा एक चीज़ बता देना भाई, जो अगर यहाँ पे कोई NEET 2023 एस्पायरेंट है ना, तो भाई तुम्हारा ड्रॉपर्स बैच आ रहा है ना, वही हमारी पूरी टीम के साथ है ना, कोटा के टॉप टीचर्स सुपर 6 सुपर अचीवर बैच 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं ना, और इस बैच के बारे में आई थिंक सब लोग जानते ही ऑलरेडी, नहीं पता तो भाई मैंने एक वीडियो की लिंक डिटेल में पूरा बता रखा है, बैच का पूरा स्टडी प्लान पूरे साल का 10 मिनट का वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा है ना। और भाई अभी अनअकैडमी में ऑफर चल रहा है 17 से 22 जुलाई के बीच में, 20% ऑफ मिल रहा है, तो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन इतने का पड़ेगा रहा हूँ 35,000 का, और इसमें पूरा सब कुछ रहेगा ना, हर चीज़ इंक्लूडेड होती है, इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं खरीदना ना, बाकी वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में बता रखा है मैंने ना। और भाई जो भी बच्चे मेरा कोड फिजिक्स लाइव है, जो भी बच्चे मेरा कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं है ना, तो उनको एक तो 20% ऑफ मिलेगा फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करने से, दूसरा मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहोगे, ठीक है। ये पूरे ग्रुप है भाई, इसमें 16 घंटे डाउट होते हैं मेरे साथ, फिजिक्स वाले इसमें 9 फिजिक्स टीचर्स हैं, और सारे के सारे भाई मेरे तरह वी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स और एक एक डाउट क्लेरिफाई करते हैं। जो बच्चे हमारे ग्रुप में तो उनसे बात कर सकते हो, हमें पता चल जाएगा किस लेवल पे करते हैं ना, ऐसा कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता कंट्री में है ना, जिस लेवल पे हम लोग करते हैं, ठीक है भाई, बाय बाय। बाकी जितने भी लोग फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करके सबसे पहले लेंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो ये मेरे मैनेजर्स का नंबर है, इस टाइम पे तुम कॉल भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो ना। बाकी भाई इसका भी ले लो है ना, ये बेनिफिट्स तुम्हें दिख जाएंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पता चल जाएगा ना इस ग्रुप में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है भाई ना। बाकी भाई लेटेस्ट अपडेट के लिए भाई नए, अगर कोई ये बच्चा ये वीडियो कोई फ्यूचर में देख रहा है तो भाई टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली, तो उस पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्यूचर में कौन से बैचेस आ रहे हैं, फ्यूचर में क्या ऑफर चल रहा है ना, और बाकी मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स और लेक्स का अगर किसी ने अगर वेबसाइट नहीं देखे तो देखना है ना, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, पूरे कोटा के डीपीपीज के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बनाए हमारी पूरी टीम में, जो कोटा के टॉप टीचर्स हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है यार, जिन्होंने बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ाए वो टीचर्स ने बनाए हुए हैं, तो जाके देखना, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली, ठीक है। बाय बाय, अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर कर देना भाई है ना, ठीक है, चलो भाई बाय 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 बाय।